तू जिस तरह दा इनू समझ रही है ना? नैन उदा दी कुड़ी नहीं, ओ शरीफ खानदान दी कुड़ी है। तुसी ता बस रहनी दियो, इस सब ते जिम्मेदार तुसी हो। ना तुसी इस कुड़ी नू घर च लेके आंदे ते ना ही साडा घर परिवार देख के दियां अखां पाड़दियां। चलो कोई नी, अजे भी कोई नुकसान नहीं होया, क्योंकि हुण मैं इस कुड़ी नू ते इसकी बेशर्मी नू एक मिनट भी अपने घर च नहीं रहन देंगी। नैना देवी, ये सब मेरे नाल की हो रहा है? मेरी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी मैनु इस परिवार की कचहरी च बेवजह मुजरिम बना के पेश किया जा रहा है। हे माता रानी, तुसी हुण अपनी इस धी दी लाश बचाओ ते मेनु इस कचहरी तो बाइज्जत भरी करवाओ। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर जो इल्जाम आंटी जी ने मेरे ते लाए है ना, ओदा बोझ मैं एक पल भी अपनी छाती ते लेके नहीं चल सकती। ए मम्मा, इन्ना वेयर्ड बिहेव क्यों कर रहे ने? उन्होंने इस मैटर च ना मेरी गल सुनी ना ही नयन दी गल सुनने तैयार ने। आखिरकार कितना समझावा कि जो वो सोच रहे ने इत्था दा साडे विच कुछ भी नहीं है। बेटा, ये सब देखने का नजरिया होता है, क्योंकि जिन्ना को नैन नु मैं जानता ओदा कोई ऐसा नजरिया नहीं है ते ना ही ओदा कोई ऐसा मकसद है। बिल्कुल ठीक नाले रीटा, पर जाई जी जिद्दां दी बंदी दी सोच ते ओदी फितरत हुंदी है ना, ओनू सामने वाला बंदा भी ओदां दा ही नजर आंदा है। नयन नु कुछ कहन तो पहला ना एक बारी अपने ते भी नजर मार लो कि तुसी पहला इस घर दी नौकरानी सी। ओ गल वक्ती है कि अज महारानी बन गए। शगुन, जुबान संभाल के मेरे सामने गल कर, नहीं तो मैं भूल जावांगी कि तेरा मेरा कोई रिश्ता भी है। सारा दिन शराब च डुबी रहने वाली मैनू मेरी औकात दिखाने चली है। बस करो तुसी दोवें, तुहानूं तां दोनों लड़न दा बहाना चाहिदा हुंदा है। अद्धी रात हुंदी पई है, टाइम तां देख लिया करो तुसी। नाले रीटा, तू ही इस गल ते मिट्टी पा, बेवजह किसी गल नूं रबड़ वांगू ना खिंची जाया कर। बाकी जे तू कोई फैसला करना ही सीगा ते दोवां धिरां दी गल सुन के करना सीगा। नैन पुत्र, तू दस की गल होई सी? की जवाब देवां जे दीवान जी अपना लेंदे तां सवालां दे कटघरे च नहीं खड़ी हुंदी। बस देख ले दर्जी, जेदे कोल कुछ बोलन लई होएगा ताही बोलेगी ना। अंदरों तो इनू भी पता है कि इन्हें गलती कीती है, पर मेरे घर च ए चरित्रहीन कुड़ी एक पल भी हुण इस घर च नहीं रहेगी। ए मेरा फैसला है, रीटा खुराना दा फैसला। जी आंटी जी ने मेनू इस घर तो बाहर कर दिता, फिर मैं किवें पता लावांगी कि दीवान जी दी जान दा दुश्मन कौन है? समझ नहीं आ रहा किद्दां अपने आप नूं सही साबित करा। राजवीर अंकल जी ने तां मेरे ते दीवान जी दा व्याह दी सच्चाई भी घरदिआं नूं दस्सण लई मना कीता। चल रीटा, मैं कह रहा रुक जा। और नैन पुत्र, बोल कुछ। और कुछ बोल क्यों नहीं रही तू? मेरे वाल इतना क्यों देख रही है? कितने साढ़े व्याह बारे मुंह तो नहीं खोल देगी? जब मम्मा नू व्याह बारे दे तो पता लग गया तो सच्ची बहुत वड्डा पंगा हो जाना। जदों घर के अंदर गंदगी बच जाए ना
ता कूड़े दे रूप साफ करके ओनू घर तो बाहर सुट देना चाहिए है। तू जड़ी घर दे अंदर गंदगी फैलाई है ना, उस तो बाद तेरी सही जगह भी इत्थे ही है, घर दे बाहर। चुक अपना समान ते दफा जा इस घर चो। मेरे पोले पाले पांचे नू अपने जाल च फसान की कोशिश कर रही सी। जात दी कोड़ किरली ते छतीरियां नू जफे। राज चल तू भी समान पैक कर, चल तू भी इथों बाहर। दारजी ये तुसी की कह रहे हो, गलती तो सारी उस कुड़ी दी है, दिवांश घर छड़ के क्यों जाएगा? गल जद अपने पुत्र ते आई ते तेनू किन्नी तकलीफ हुई, पर सच ये है कि आपां दिवांश और नैन नू कठिया देखिया सी, फिर नैन कली दी गलती किस तरह हुई? दिवांश अज जो कुछ हो रहा है तेरी अखां सामने हो रहा है और तू कुछ बोल नहीं रहा, इहदे च कली नैन दी गलती है? बोल जवाब दे। ठहर ते एक गलत फैसले ने सब कुछ बदल के रख दिता है, ना ही नैन नाल मेरा व्याह हुंदा, ना ही वो इत्थे मेरे पिछे आंदी, ते ना ही अज तमाशा देखना पैंदा। की होया हुण तैनूं, सब सुन गया है? तेरे करके नैन नूं अज किन्ना बेइज्जत होना पै रहा है। तू जवाब नहीं देना तो मैं नैन को पूछ लेना। देख नैन पुत्र, जदों दी तू इस परिवार दे जाई असे तेनू परिवारिक मैंबर ही समझिया है, भावे तेनू असी कौशल्य की सेवा वास्ते लेके आंदा सी पर तेनू धी राणी नालों ज्यादा प्यार दिता है, इस करके जो भी होया चंगा नहीं होया। मैं जानना चाहना जो रीटा कह रही है दिवांश और तेरे बारे, यदि सच की है। दारजी मेरी गल तो सुनो। नहीं रीटा, बहुत देर तो गल्ला मैं ही नहीं, असी सारे तेरियां गल्ला सुनते आ रहे हैं, बस हुण मैं नैन दे मुंह जो गल हुई है नैन दे मुंह सुनना चाहना वा, इस करके चंगा होएगा कि तू थोड़ी देर लिए शांत हो जावे। अज ये कुड़ी इस घर की इन्नी सगी होगी कि एदे करके दारजी ने मेरा मुंह बंद करवा दिता। देख नैन, जो भी सच है तू सानू सब नु सच दस दे, क्योंकि अज इत्थे सिर्फ तेरी इज्जत का सवाल नहीं, तेरे घरदियां दी परवरिश का भी सवाल हैगा। सब मेरी गलती है, मेरे करके अज नैन दा इस घर च ए हाल हो रहा है, हे नैना देवी मैनू माफ करना। मेरे ते मैनू वड्डा इल्जाम लगन तो बाद भी दिवांश जी घरदियां नूं क्यों नहीं दस रहे कि मैं कोई नौकरानी नहीं बल्कि उन्हां दी पत्नी हां? इत्थे तक राजवीर अंकल भी कुछ नहीं बोल रहे। हे माता रानी तुसी दसो हुण मैं अपने उपर लग्या इह दाग किवें हटावा? मैं नहीं चाहती मेरे मां प्यो दी परवरिश ते कोई भी सवाल चुके, हुण मैनू सच दसना ही पएगा। दारजी मैं थोड़े पोते दी घर वाली नयन दिवांश खुराना, यानी इस घर दी नूंह।
ओ तेरी कहानी च एड्डा वड्डा ट्विस्ट। दिवांश वीर जी से व्याह होए हो? यार की बकवास कर रही है तू? मेरे पुत्र दिवांश नु बदनाम करने ली इस हद तक डिग जाएंगी तू? मैं कदे सोचा भी नहीं सी। सासा दस ये सब कुछ करने ली तनु किने क्या? नहीं तो मैं तेरी जुबान खींच लेनी है। बेटा पोचा एक ही तरीका है। ये सब मैं की सुन रहा? ऐसे करके क्या सी ना दार जी कि किसे नु मैं सड़क तो चुक के घर नहीं लेके आई दा। बाद चाहो जी दो कोड़ी दिया कुड़ियां साड़े ही सिरा च मोरियां करतियां ने। ये दिवांश हजे भी कुछ बोल क्यों नहीं रहा? घट्टो घट हुण ते स्टैंड लै दिवांश। दिवांश जी हुण तां कुछ बोलो ना। मैं तुहाडे अगे हाथ छोड़ दी आ। क्यों नहीं तुसी सब नूं दस दिंदे कि मैं ही तुहाडी पत्नी हाँ? कि थोड़ा मैंने इस हालत देख के खून नहीं खोल रहा। सब मेरे उत्ते किद्दा किद्दा दे इल्जाम लगा रहे ने। तुसी किद्दा बोल सकते हो कि असी अग्नि दे अगे सत फेरे ले सी? जे असी वचन लिया सी कि असी एक दूजे दा साथ कदे नहीं छड़ांगे, ते आज कल जब मेरी इज्जत ते आ बनी है तुसी बुत बन के खड़े हो। बोलो कुछ दिवास जी, बोलो थोड़ी चुप्पी करके मेरे गले च चरित्रहीन होने का तगमा पा दिता गया है। आज सारिया नु दस दो साडा रिश्ता की है। अज अपने मुंह साडे रिश्ते की सच्चाई सब दे सामने रख दियो। मेरे मत्थे ते लगा है दाग इनो मिटा दो। मैं थोड़े अगे हाथ जोड़ दिया दिवांश जी, बोलो। नैना देवी मेरी किसी भी गल का दिवांश जी ते कोई असर क्यों नहीं हो रहा? कि उन्होंने मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं? एक किस तरह का जीवन साथी है जेड़ा अपनी पत्नी नू इस तरह बेइज्जत हुंदिया देख के भी चुप है? दिवांश नैन जो कह रही है कि वो सच है? जवाब दे। दिवांश ते हाँ या ना करना सच्चाई छुप नहीं जाती। और ये दोवां दे रिश्ते की सच्चाई की है हुण मैं तुहानू दसा। सच ये है दार जी कि नैन ने जो भी किया वो सब सच है। नैन दिवांश की पत्नी है ते ये दोनों का व्याह मैं करवाया सी। ये सारे कांड दे मास्टरमाइंड दा चीचा जी ने हुण तां मैनूं दीदी जी दा सिंघासन डोलदा होया नजर आ रहा है। बस करो राजवीर, ये सब तुसी इस करके कह रहे हो ना ताकि इस नैन नूं इस घर तो बाहर जाण वास्ते रोक सको? पर इस लई मेरे दिवांश दा नाम लैण दी की लोड़ है? क्योंकि मैनूं पता है कि मेरा दिवांश मैनू दसते बिना इना वड्डा कदम चुकना तो दूर सोच भी नहीं सकता। ते रही गल इस कुड़ी दी, एहो जिया कुड़िया नू मैं चंगी तरह जानदी हां। एहो जिया कुड़िया
वड्डे घरां च अपनी थां बनाउण वास्ते किसे भी हद तक जा सकदियां ने। हुण कल नूं अगर इह पेट लैके आ जावेगी ते आके कहेगी कि इहदे पेट च दिवांश दा बच्चा है तां कि मैं मन लवांगी। ਇਹ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਹੈ ਝੂਠੀ। ਰੀਟਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਮ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੱਟਦੀ ਹਾਂ। रीटा, ये तू की कर रही है? नैन हुण इस घर दी नूह है ते दिवांश दी घरवाली। नहीं, ए नहीं हो सकदा। मेरा दिवांश मैनू दसे बिना कदे भी एडा वड्डा फैसला नहीं लै सकदा। जदों तक दिवांश इस कुड़ी नूं अपने मुंह अपनी पत्नी नहीं मनदा, उदों तक मेरे लिए कुड़ी सिर्फ एक ठग है। ठग ठगा दी जगह घर दे बाहर या जेल च हुंदी है, घर दे अंदर नहीं। तू खड़ी खड़ी इत्थे मेरा मुंह की वेख रही है, चल इत्थों। जी दे नाल जन्मा दे वादे कीते ने, जी दे नाम दा लाके सिंदूर रख दी, राखी ओदी मन दिए अपना ਰਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਬੁਲਾਵਾਂ ਉਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀ, ਖਤਰੇ ਚ ਪਾਵੇਂ ਜਾਨ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਲਈ, ਖਤਰੇ ਚ ਪਾਵੇਂ ਜਾਨ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਉਹਦੀ ਓਕੜਾ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ, ਆਪ ਪਾਵੇਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰਹੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਾਂਗੀ। ਕੁਛ ਬੋਲੋ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ। ਨਯਨ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਯਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਯਨ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਨੈਨਾ ਦੇਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੰਨਿਆ। ਦਿਵਾਂਸ਼, ਦਿਵਾਂਸ਼ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ ਕੁੜੀ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨੈਣ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਸੱਚ, ਨੈਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਣ ਅਸਲ ਚ ਨੈਣ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਂਸ਼, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
तेरी सखी मां तो वध प्यार दिता, तेनू पालिया पोसिया, ते ओदा इनाम तो मैनू ए दिता। बोल दे दिवांश, ये सब झूठ है। बोल दिवांश, ये सब झूठ है। हे रब्बा, ये सब देखो तो पहले तो मैंने चुप क्यों नहीं लिया? जेड़ा दिवांश अपनी मां तो बिना एक कदम भी नहीं सी पुटदा, ओ दिवांश आज अपनी मां तो बिना ब्याह करके आ गया। इस कल की आई कुड़ी ने तेरे से ऐसा केड़ा जादू कर दिता कि तेरी मां भी अन्ने सालां दी ममता उदे अगे हार गई। इतने साल तेनू पालन दा मैनू ए नतीजा मिलिया, मैं कदे सोच भी नहीं सी सकदी दिवांश कि तू इतनी बड़ी गल अपनी मां तो लुकोएगा। मम्मा तुसी मेरी गल तो सुनो। बस दिवांश, एक शब्द नहीं सुनना मैं। मम्मी की है? सदैव सदैव तू दस ये सच है? तू 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 नैंदे सच्चाई पता करने गया सी ना? मैनू दस कि दिवांश का ब्याह नैना नहीं होया ना? बोल सदैव, बोल झूठ है ना? बोल सदैव दस ना। हाँ जी मम्मा, दिवांश वीर जी सच बोल रहे हैं। नहीं, मेरे नाल दिवांश इन्ना वड्डा धोखा नहीं कर सकता। ये किद्दां हो सकता है? मैं बचपन तो दिवांश नूं पाल पोस के वड्डा कीता है। मैं किद्दां नहीं पहचान सकी कि दिवांश अपने प्यो नाल मिलके मेरी पिठ पिछे ही सब कुछ कर रहा है।